क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ी गलती की नंदीग्राम आके? क्योंकि आमतौर पर एक छोटा नेता एक बड़े नेता को चैलेंज करता है, बड़ा नेता जाके किसी जूनियर नेता को इस तरीके से ललकारता नहीं। क्या एक हिस्ट आपको लगता है एक चूक रही है? मैं डे वन से मानता हूँ वो भवानीपुर से भागी है, डे वन से मानता हूँ, मगर भागने की जगह गलत पसंद कर दी। हालांकि वो कहीं पर भी जाती है स्थिति होगी। आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं या आपको लगता है कि टाइट फाइट होगी? क्योंकि नंदीग्राम से मेरा सवाल, 20,000 से ज्यादा मार्जिन से हम जीतेंगे, 20,000 से ज्यादा मार्जिन से हम जीतेंगे। नंदीग्राम के दो ब्लॉक हैं, ब्लॉक वन ब्लॉक टू। आप ब्लॉक टू में स्ट्रांग हैं, लेकिन ब्लॉक टू वोटर्स के लिहाज से ब्लॉक वन से बहुत छोटा है। ब्लॉक वन में मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, ऐसे में वहां का जो चुनावी गढ़ थे, जो डेमोग्राफी है, वही बीजेपी के खिलाफ है। देखिए, आप परिणाम आने दीजिए। ब्लॉक वन टू हिंदू मुस्लिम युवा बूढ़े महिला पुरुष सब मिथक टूट जाएंगे। हम 20,000 से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। शुभेंदु अधिकारी विजयी होकर बाहर आएंगे। आपने तमाम तृणमूल के नेताओं को बीजेपी में जगह दी, उनमें से कईयों को टिकट भी मिला, उससे कुछ हद तक नाराजगी बनी हमने देखा, कुछ बीजेपी के ही दफ्तरों में तोड़फोड़ भी हुई। किस हद तक अभी भी वो आपके लिए परेशानी है और किस हद तक आप उसको कंट्रोल करते हैं? मुझे लगता है आप सुबह से दो रैली देखी होगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि पूरा कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ता है, तो इस तरह की भीड़ कभी झुकती नहीं है। दोनों रैलियों में मैदान तो खाली था ही नहीं, रोड पर भी दूर दूर तक किलोमीटर तक लोग खड़े थे। दूर दूर तक 3 किलोमीटर राइट 3 किलोमीटर लेफ्ट माइक लगाने पड़े। यही बताता है कि हमारी पार्टी एकजुट होकर एकमुश्त होकर चुनाव लड़ती है और ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। पर आपके कई कार्यकर्ता हैं जिनको लगता है हमने अपनी जिंदगी दी, लाठियां खाई, डंडे खाए, अब जब पार्टी की जीतने की स्थिति आई तो अमित भाई बाहर से किसी को लेके आ गए, तो उस नाराजगी को काउंटर करने के लिए अपने ही लोगों को आप क्या कहते हैं? देखिए, बहुत स्वाभाविक नाराजगी और वाजिब भी है, मगर भारत माता की जय का नारा ही इसकी नाराजगी दूर करने के लिए काफी होता है। सब लोग लगे हैं और सब लोग अच्छे तरीके से चुनाव में काम भी कर रहे हैं। आपने कहा था काफी साल पहले कि भारत माता की जय को हम यहाँ पे नारा बनाएंगे। शुरुआत में तो ममता बनर्जी कह रही थी, तृणमूल के लोग कह रहे थे कि यहाँ जय सियाराम है, यहाँ हरे कृष्णा है, यहाँ पे कल्चर नहीं है ऐसा। लेकिन अब हम देख रहे हैं आपकी सभाओं में और बाकी नेताओं की भी सभा में, आपकी जब गाड़ी निकलती है लोग खुद ब खुद जय श्री राम बोल रहे हैं। आपको लगता है कि एक सोशल कल्चरल पॉलिटिकल चेंज भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है? देखिए, जय श्री राम का नारा कोई रिलीजियस नारा नहीं है, ये यहाँ पर एपीसमेंट की जो पॉलिटिक्स है, यहाँ पर बहुमती समाज को सेकंड ग्रेड सिटीजन का जो स्थान दिया है ममता जी ने, इसके खिलाफ गुस्सा है। कोई भी सेकंड ग्रेड सिटीजन नहीं बनना चाहिए, ना हिंदू बनना चाहिए, ना मुसलमान बनना चाहिए, ना मेजोरिटी के लोग बनने चाहिए, ना माइनॉरिटी के लोग, मगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ममता जी ने यहाँ पर सेकंड ग्रेड सिटीजन से स्थिति खड़ी करी है। आज बंगाल में दुर्गा पूजा करने के लिए आपको हाईकोर्ट की परमिशन की जरूरत पड़े? किस प्रकार का बंगाल दीदी ने बना है? सरस्वती पूजा करने वाले पे गोलियां चलाई जाती है? किस प्रकार का बंगाल बना है ये बंगाल? अब बंगाल की जनता नहीं स्वीकार करती, उनको परिवर्तन चाहिए और 2 मई को परिवर्तन होगा।